आशा कार्यकर्ता हुई भुखमरी की शिकार। लखीसराय के चानन प्रखंड मननपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय को लेकर रविवार की दोपहर 11 बजे बैठक की गई। इस बैठक में इटोन की आशा रिंकी कुमारी ने बताई कि साल भर 2020 से प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिला है। पिछले साल से ऑनलाइन भी कर रहे हैं लेकिन इसका अभी पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग बैठक किए हैं। इस दौरान हमने BCM मैडम से बात भी की पर आशा निराशा में बदल गई। वही इटोन की आशा अनीता देवी ने बताई कि कमाया हुआ राशि नहीं मिल पा रहा है, समय के साथ रिपोर्ट भी देते हैं, भूखे पड़े हम लोग क्यों काम करें। हमारी भी CM से बात हुई तो उन्होंने बताई कि प्रभारी बदल गया है, नया प्रभारी आने पर सभी को पैसा दे दिया जाएगा, फिर भी अभी तक नहीं मिला। वही ऐसे में अगर रात दिन काम नहीं होता है तो प्रभारी दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। वही इटोन की आशा सुमा देवी ने बताई कि सारा रिपोर्ट हर माह जमा करते हैं, हर दिन धरना करने पर प्रभारी कहते हैं कि पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही देखने को मिलता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। वहीं बनू बगीचा गोहरी की आशा उमा कुमारी ने भी बताई कि 2020 से पैसा नहीं मिला है, साथ ही प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला है, 2021 का भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। BCM के माध्यम से ऑनलाइन का कागज भी पहुंचा देते हैं पर वो भी नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में भी काम किया और आश्वासन मिला कि पैसा मिल जाएगा। ऐसे में जून के पहले बुधवार को शुरू होने वाले टीकाकरण को नहीं करेंगे, इसे करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि पैसा तो मिलेगा नहीं। ऐसे में घर का पैसा भी खर्च हो रहा है, बनू बगीचा से किसी तरह आए हैं। घर का मालिक यानी पति भी कहते हैं, काम करने जाती हो और खर्च करके आती हो, हम लोग को परेशानी है, हम लोग काम करना भी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि आज रविवार है जिसके कारण उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। बैठक में बनू बगीचा गोहरी की आशा उमा कुमारी, इटौन की आशा रिंकी कुमारी, इटौन की अनीता देवी, इटौन की सुमा देवी के अलावे अभिलाषा कुमारी, चंचला देवी, संगीता देवी, पूनम देवी, इंदु कुमारी सम्मिलित हुई। लखीसराय संवाददाता सुजीत कुमार व रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं उप स्वास्थ्य केंद्र मननपुर चानन लखीसराय में, जहां पर आशा लोग अपनी समस्याओं को लेकर आज एकत्रित हुए हैं, लेकिन रविवार होने के कारण से इन लोगों का एकत्रित होना बेकार हो गया है। इन लोगों ने अपनी समस्याओं से हम लोगों को अवगत कराते हुए बताया कि इन लोगों को ना तो पोषाहार राशि, ना तो इन लोगों का योगदान राशि भी मिल पा रहा है। दूसरी ओर इन लोगों ने बताया कि इसको लेकर के अधिकारी पदाधिकारी से बात करने पर भी वे लोग हमारी समस्या का निदान करने में असमर्थ हो रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि 1 तारीख से जो टीकाकरण होना शुरू होगा उनमें हमारी सहभागिता नहीं होगी। इसका मुख्य कारण है कि इन लोगों को पेट भरने के लिए भी कोई राशि मुहैया नहीं हो पा रही है। यहाँ कुछ आशा ने बताया कि हमें 10 किलोमीटर की दूरी पर से आना होता है, उसके लिए भी खर्च हम लोग खुद अपने पैकेट से ही किए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भूखे पेट न होई भजन गोपाला का कहानी चरित्रार्थ होती है। अब देखना ये है कि अधिकारी और पदाधिकारी इनके कामों से खुश होकर अथवा इनके कामों से नाराज होकर इन्हें राशि देते हैं अथवा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर राशि नहीं मिलेगी तो काम नहीं होगा। मैं सुजीत कुमार सहयोगी रुपेश कुमार के साथ लखीसराय जिला। मेरा नाम अनीता देवी है। कौन से क्षेत्र से हैं? इटौन पंचायत की हूं मैं। क्या वर्क आपका है? मेरा नाम मैं वर्क है आशा। ये बताइए, आज आप लोगों का जो यहाँ पर एक साथ एकत्रित होना है किस बात को लेकर? इस बात के लिए एकत्रित है कि हम लोग को कमाया हुआ राशि नहीं मिल पा रहा है और 2020 का भी पैसा हम लोग का बाकी है। हम लोग को जितने सारे रिपोर्ट मांगते हैं, हम लोग समय के साथ हम लोग रिपोर्ट पहुंचा देते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं देते हैं। जनवरी से लागू हुआ कि ऑनलाइन से पैसा आप लोग को मिलेगा, ऑनलाइन का भी पैसा नहीं मिला, सिर्फ दिसंबर का पैसा मिला है। 5 महीना ये भी बीत गया है, भूखे पेट हम लोग कितना रिपोर्ट देंगे या कितना काम करेंगे? कोरोना वायरस में भी हम लोग पूरा काम किए, उसका भी पैसा नहीं मिला है। अच्छा, इसको लेकर के किसी अधिकारी पदाधिकारी या फिर किसी कर्मचारी से कोई बात वगैरह? हाँ, हम लोग BCM से बात किए थे, वहाँ बोले थे कि हाँ आप लोग का पैसा मिल गया, पैसा बना हुआ है, दस्तखत नहीं हुआ, प्रभारी बदली हो गए। बोले प्रभारी दूसरा आएगा पैसा मिलेगा, वो भी आ गए, वो भी पैसा नहीं मिला है। प्रभारी बदलने के बाद आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, पहले भी नहीं मिला था। और अगर ऐसे में आप लोग एक दिन अगर काम ना करें तो वही प्रभारी फिर आप लोगों के ऊपर दबाव डालेगा? एक बात बताइए, आज कौन सा दिन है? आज संडे है। आपकी घड़ी में अनुमानता कितना बज रहा होगा? 12 बज रहा है। ये बताइए कि आज अगर आपके इलाके से आपको एक मरीज मिल जाए तो आप कहाँ ले जाना पसंद करेंगे?
पहले तो हम मननपुर स्वास्थ्य केंद्र में लाएंगे, यहाँ तो ताला बंद ही रहता है, तो हम लोग लखीसराय लेकर के चले जाते हैं। लखीसराय लेकर के जाते हैं तो यहाँ का मैडम लोग बोलते हैं कि आप लोग लखीसराय क्यों लेकर के जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ बंद रहते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये बताइए, इस दौरान अगर मरीज आपसे उलझ जाए कि हम मननपुर में ही अपना इलाज करवाना चाहेंगे लखीसराय में नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो मैडम को फोन करके बुलाते हैं, मैडम आती है। अभी जो आप लोग बैठक किए हैं तो अभी फिर मैडम क्यों नहीं आई? आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रिंकी कुमारी है। कौन से क्षेत्र से आप हैं? मैं ये बताइए, आज आप लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं इसका क्या कारण है? हम लोग का यही कारण है कि हम लोग को साल भर से पैसा नहीं, जो हम लोग का प्रोत्साहन राशि है वो मुझे नहीं मिल रहा है साल भर से, और हम लोग को ऑनलाइन हर एक महीना मतलब ऑनलाइन करने के लिए पेपर देते हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला है। उसका भी 4-5 महीना से दे रहे हैं लेकिन कुछ का पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग धरना बैठक किए हैं। एक बात बताइए, इस दौरान किसी अधिकारी या किसी पदाधिकारी से आप लोगों की बात हुई है? नहीं। इसका क्या कारण है? बात तो नहीं की है, मतलब पहले बात की है सर बीसी मैडम बोली कि 3 महीना का आप लोग का एक ही बार पैसा चला जाएगा, उसके बाद बोली 10 दिन के बाद जाएगा, 10 दिन का ऐसा देख लिए हम लोग थक गए, तो बोले कि अब कोई उपाय नहीं है, जब तक बैठक नहीं करेंगे जब तक हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों को जो भी राशि है जो मुहैया नहीं कराई जा रही है, अगर इस दौरान आप लोगों को आपके पंचायत या आपके क्षेत्र से कोई मरीज मिल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, फिर मैडम से बात करेंगे, मैडम यदि बोलेगी कुछ वो राय देगी कि आप लेकर आइए लखीसराय लेकर आइए, तो लखीसराय जाएंगे, नहीं तो उसके बाद कुछ व्यवस्था हम लोग करेंगे। जी आज कौन सा दिन है? आज रवि संडे है। अभी कितना बज रहा है? 12 बजता हूँ। ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य केंद्र खुला है अथवा बंद है? बंद है। इस दौरान अगर मरीज को लाना और ले जाना होगा तो कहाँ लाएंगे और कहाँ ले जाएंगे? सर मरीज को यदि यहाँ लाते हैं तो हम यहाँ की जो NM दीदी है उनसे मैं बात करूँगी, वो बोलेगी कि आप बैठिए, तो हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे, उनका आशा देखेंगे, वो आएगी तब होगा, नहीं आएगी तो लखीसराय लेकर जाएंगे पेशेंट को। यहाँ से लखीसराय ले जाने का जो खर्च होगा वो कौन पे करेगा? करेगा पेशेंट करेगा खर्च, क्योंकि आपके क्षेत्र में ये जब अस्पताल पड़ रहा है तो यहाँ इलाज ना हो करके रविवार को इलाज लखीसराय में होगा। इस दौरान पेशेंट अगर मान के चलिए आपसे अगर उलझना शुरू कर दे तो उसके लिए हम लोग सब मिलकर फिर बोलेंगे कि सर आप लोग यहाँ अभी संडे को खोला कीजिए, अस्पताल नहीं खोलिएगा तो हम लोग पेशेंट को लेकर कहाँ जाएंगे, हम लोग का यानी कि कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो हम लोग कैसे करेंगे काम? क्या कहीं पर कोई ऐसा नियम है कि रविवार को अस्पताल बंद हो जाती है? नहीं, कहीं का नियम नहीं है। तो क्या ये सिर्फ यहाँ का नियम है? क्या हम लोग बोले होना तो नहीं चाहिए सर ऐसा। मेरा नाम उमा कुमारी है। कौन से क्षेत्र से हैं? क्षेत्र से गोहरी पंचायत से हैं। कौन सा काम करते हैं आप? काम करते हैं आशा वर्कर के काम करते हैं। ये बताइए, आज आप लोग एक साथ एकत्रित होकर के बैठक कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इसका यही है कि हम लोग को 2020 से पैसा नहीं मिला, जितना भी प्रोत्साहन राशि है सब रोका हुआ है, और बोला जा रहा है कि पैसा मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन 20 में नहीं मिला और 21 में भी 5 महीना हो चुका है, तो ऑनलाइन के वजह से भी हम लोग कागज जितना भी होता है उतना पहुंचा देते हैं फर्स्ट लेटर के माध्यम से, VCM के माध्यम से, लेकिन पैसा एक भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कोरोना में भी जितना काम था कर चुके हैं, उसके बाद भी बोला कि पैसा मिलेगा पिछले साल ही 20 में, लेकिन नहीं मिला। अब की साल हम लोग तो ये टीकाकरण होगा शायद पहला बुधवार को, हम लोग सोच रहे हैं कि टीकाकरण नहीं करेंगे, करने से फ़ायदा क्या है, पैसा तो मिल नहीं रहा है हमारा, खाली जो घर का भी जो पैसा है वो भी मेरा खर्च हो रहा है, हम लोग को अभी वहाँ बन्नू बगीचा से आने जाने का कोई सुविधा नहीं है, फिर भी हम अपना बाइक से पेट्रोल जला के आए हैं, 3 आदमी हम वहाँ से आए हैं, एक बन्नू बगीचा से हैं, बड़ारे की अभिलाषा है और डारी सिर की पूनम है, 3 आदमी बाइक से आए हैं, तो उसमें पैसा वो घर का भी ना खर्चा होता है, मेरा घर में गार्जियन है तो बोलता है ना कि जाती हो खर्च करके लेकिन लाती हो कितना है, इस सब में हम लोग को परेशानी होता है कि नहीं। एक बात बताइए, इस दौरान अगर आपके क्षेत्र में मरीज आपको दिया जाए उसको लाने और ले जाने की जिम्मेदारी आपकी होती है, तो जो लाया और ले जाना आपका होगा उसके लिए जो खर्च भी होगा वो कौन देंगे? वो तो वही देगी, पेशेंटे देती है, लेकिन हम लोग यही से तो यहाँ लाते नहीं। इस दौरान अगर मान के चलिए पेशेंट को मननपुर लाया जाए लेकिन आज रविवार है, आपकी सहयोगी ने कहा कि आज अस्पताल बंद है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे? उस दौरान
काम तो आप इमरजेंसी है तो इमरजेंसी का तो कोई बंद रहने का संभावना नहीं है, ये तो खुला ही रहना चाहिए। यहाँ का जो नियम है तो ये लोग बोलती है कि यहाँ बंद रहता है तो हम लोग को बोलती है कि फ़ोन करके एनएम को बुलाया जाए। तो कितना के पास फ़ोन रहेगा, हम लोग के पास नंबर नहीं है उनका, तो हम लोग तो सदर ना ले जाएंगे लखीसराय सदर। अगर इस दरमियान मरीज आपसे उलझ जाए तो आप क्या करेंगे? उलझ जाए तो वही फोन करते हैं तो आती है, नहीं तो किसी तरह मैनेज तो करना पड़ता ही नहीं। नाम बताएंगे? मेरा नाम सुमा देवी। कौन से क्षेत्र से आप हैं? इटौन ग्राम पंचायत। और आपका काम क्या है? आशा का काम। ये बताइए कि आज आप लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं उसकी क्या वजह है? वजह है सर कि हम लोग को एक साल से जो प्रोत्साहन राशि मिलता था वो भी पैसा नहीं मिला है, और जो अभी जनवरी से लेकर ऑनलाइन का पैसा आता था वो भी पैसा नहीं मिला है। सारा रिपोर्ट हम लोग हर महीना जमा करते हैं लेकिन हम लोग को 2020 वाला भी पैसा नहीं मिला है। इसको लेकर के किसी अधिकारी या पदाधिकारी से आप लोगों ने बात की है क्या? बात किए थे, प्रभारी से बात हुआ था, एक दिन धरना हुआ था, प्रभारी बोले कि ठीक है पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ले कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए, आज कौन सा दिन है? आज दिन है रविवार। रविवार आज आप लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं तो क्या इस दौरान किसी अधिकारी या पदाधिकारी या अस्पताल के किसी भी व्यक्ति से आपकी बात होगी? क्या ऐसा कोई वजह होता है क्या कि रविवार को अस्पताल बंद हो जाता है? नहीं, अस्पताल तो नहीं बनवाना चाहिए। अगर इस दौरान मान के चलिए आपके पास कोई मरीज उपलब्ध हो जाए तो उस मरीज को आप कहाँ ले जा करके देंगे? क्या करेंगे सर, ऐसे ही ले जाएंगे कहीं जगह सदर अस्पताल ले जाएंगे। यहाँ से सदर अस्पताल ले जाने का जो किराया अथवा जो भाड़ा होगा वो कौन व्यय करेगा? वो तो मरीजे देगा ना सर। तो मरीज तो आपसे बात करेंगे ना कि हमारा जब यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र मननपुर है तो फिर हमें लखीसराय क्यों? प्रयास तो अब यहाँ कुछ ताला बंद है, आप तो खुद देख रहे हैं कि ताला यहाँ बंद है, फिर एनएम से बात करेंगे, अगर होगा वैसा सुरक्षित लाएंगे पेशेंट को, नहीं तो कहीं व्यवस्था करवे ना करेंगे।